टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आइसिस? आइसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। ये करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तो दोस्तों जरा सोच के देखिए कि किसी फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए और फिल्म को दो दो बड़े स्टेट में बैन कर दिया हो, उसके बावजूद भी 20 करोड़ के बजट में बनी फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई कर जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज 7 दिन यानी कि एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द केरला स्टोरी के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने हिंदुस्तान से कितने की कमाई की, विदेशों से फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि द केरला स्टोरी फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या सुपर फ्लो। तो दोस्तों देश में हो रहे धर्मांतर की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अमृत लाल साहा। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिल रही है आदा शर्मा। आदा शर्मा ने इस फिल्म में जिस तरह का काम किया है उसके बाद तो उनके करोड़ों फैंस बन चुके हैं। अब दोस्तों फिल्म का बजट जहां 20 करोड़ रुपए था तो सबको लगा था कि यह फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो मुश्किल से 25-30 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, ट्रेलर को हिंदुस्तान की जनता का फुल सपोर्ट मिला, उसकी वजह से फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग ली। और फिल्म जब पहले दिन 8 करोड़ की ओपनिंग ली उसके बाद फिल्म के रिव्यूज सामने आए तो फिल्म सभी को पसंद आई और उसके बाद तो फिल्म को सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड देखने को मिले और फिल्म ने दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से भी ज्यादा कमाई की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि द केरला स्टोरी ने जहां अपने पहले दिन 8 करोड़ रुपए कमाए थे वहीं दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 11 करोड़ 22 लाख रुपए का हो चुका था। वही तीसरे दिन यानी कि रविवार फिल्म का कलेक्शन 16 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। अब सबने क्या सोचा कि भैया शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों के वीकेंड में तो फिल्म के कलेक्शन अच्छे हो गए, लेकिन यह फिल्म सोमवार से दम तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर द केरला स्टोरी ने अपने सोमवार यानी कि चौथे दिन भी इंडिया से कलेक्शन 10 करोड़ 7 लाख रुपए का किया, तो पांचवें दिन तो चौथे दिन से भी ज्यादा कलेक्शन रहा और फिल्म ने पांचवें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 14 लाख रुपए का किया। वही छठे दिन फिल्म का कलेक्शन 12 करोड़ 50 लाख रुपए रहा यानी कि शनिवार से भी ज्यादा। अब बात करें इस फिल्म के आज यानी कि सातवें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों द केरला स्टोरी को जिस तरह मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है उस हिसाब से द केरला स्टोरी आज यानी कि सातवें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। अब अगर जोड़े फिल्म का टोटल कलेक्शन, दोस्तों शुरुआती 7 दिनों में द केरला स्टोरी का इंडिया नेट कलेक्शन 80 करोड़ 36 लाख रुपए का हुआ है, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 96 करोड़ रुपए। लेकिन बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ द केरला स्टोरी का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है 103 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन यानी कि पहला हफ्ता और फिल्म दुनिया भर से 103 करोड़ की कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन देखते हैं कि फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है द केरला स्टोरी का फाइनल कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।